वेल हेलो एंड वेलकम। तो दोस्तों, भूल भुलैया 3 का ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है और ट्रेलर मुझे अच्छा लगा। ट्रेलर में ना मुझे कुछ कमी नज़र आई ना कुछ खामी नज़र आई, और इसकी कास्ट भी बहुत लंबी चौड़ी है, जैसे कि इंक्लूड है कार्तिक आर्यन, तृप्ति डिमरी, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित, विजय राज, राजपाल यादव और एक छोटू मियाँ बोल के कैरेक्टर है वो भी। मतलब मूवी फुल ऑन कॉमेडी से होते हुए आपको डराते हुए जाएगी मूवी। मतलब भूल भुलैया फ्रेंचाइज शुरू से एक हॉरर कॉमेडी है, तो उस तरह से ये भी मूवी आपको हंसाते हंसाते थोड़ा डराएंगी। तो इसमें माधुरी दीक्षित का जो कैरेक्टर है वो भी सिमिलर लग रहा है विद्या बालन के कैरेक्टर से, लेकिन पता नहीं दोनों को किस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा। तो मूवी का ट्रेलर देखने में नो डाउट कुछ भी ऐसा बेमतलब या मज़ा नहीं आया ऐसा कुछ नहीं है। ट्रेलर A1 है, देखने में मज़ा आएगा। जिस तरह से कार्तिक की मूवीज़ जिस तरह से परफॉर्म कर रही थी, आई थिंक ये मूवी कार्तिक के लिए भी अच्छी साबित होगी। इससे कार्तिक का भी कमबैक हो जाएगा और तृप्ति को और 2-4 मूवीज़ मिल जाएगी। अच्छे स्केल पे शूट किया गया है मूवी को, देखने में मज़ा आएगा। लेकिन कहानी अगर डम रहेगी तो मूवी नहीं चलेगी, वो तो रिलीज़ के बाद पता चलेगा। लेकिन ट्रेलर से मूवी को कुछ खामी नज़र नहीं आ रही है। ट्रेलर तो A1 है, ट्रेलर तक ही बात रखते हैं। ट्रेलर अच्छा है, अब मूवी की रिलीज़ के बाद पता चलेगा मूवी कैसी। और सबसे बड़ा इस मूवी का काटा या झटका देने वाला है वो है सिंघम। तो सिंघम की भी कास्ट अच्छी खासी आधा बॉलीवुड पड़े वाला है सिंघम में। तो अगर कुछ इफेक्ट होगा ये मूवी को कार्तिक को, तो वो होगा सिंघम से, क्योंकि सिंघम में काफ़ी बड़े बड़े एक्टर्स हैं जो थोड़ा बहुत फ़ायदा देंगी सिंघम को कलेक्शंस में। लेकिन अगर भूल भुलैया की स्टोरी अच्छी रहेगी, लोगों को पसंद आएगी, तो नो डाउट भूल भुलैया 3 भी चलेगी। तो दिवाली के दिन दोनों मूवी का क्लैश होने वाला है, कौन सी मूवी किस तरह से परफॉर्म करेंगी और रिलीज़ के बाद पता चल जाएंगे। और आप लोगों को दोनों में से कौन सी मूवी फर्स्ट डे देखना पसंद करेंगे, आप लोग कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।